हाँ, मैंने उसी वक्त जो ही मुझे मेरा टाइमर खराब हो गया तो मैंने उसी वक्त उनको कॉल किया टाइमर के बारे में। तो जब मैनेजिंग बॉडी ने मेरी बात सुनी तो ऑनलाइन उन्होंने सारा कुछ रेस्पॉन्स मुझे आधे घंटे में मेरा सोल्यूशन हो गया। सो अब सर, अब दो चीज होती है, बाकी कंपनी और हमारे कंपनीज में आपको क्या डिफरेंस लगा कि अरोमा इसलिए बेस्ट है? अरोमा इज द बेस्ट, अरोमा इज द बेस्ट। क्यों अरोमा बेस्ट है? मैंने बहुत सारी कंपनी से बात की अबाउट द इक्विपमेंट, अबाउट द ओवन। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ओवन के, उन्होंने बता दिए, बट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओवन गिवन बाय द अरोमा बैक इज द बेस्ट। आई लाइक इट, दैट इज व्हाई आई बाय इट। वेलकम टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। सो आज हम हैं श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में। सो यहाँ पे हम आज बात करेंगे बीएच बेकरी के बारे में, जैसे कैसे इन्होंने अपनी जो बेकरी को बढ़ाया है, कैसे ब्रांचेस इन्होंने डाला है और फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस चीज को हम समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे इनके ऑनर से। थैंक्स फॉर अरोमा बेक एंड इक्विपमेंट्स। आई एम बशीर अहमद मीर फ्रॉम गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। सो गंदरबल में एक बेकरी है बीएच बेकरी, जो कि इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स फेमस है और काफ़ी लोग यहां से परचेस करते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अब आते हैं, ले चलते हैं इनकी बेकरी में। अब हम दिखाते हैं प्रोडक्ट सारे कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो रोटरी ओवन में बने हैं, जो कि अरोमा बेक इक्विपमेंट्स की रोटरी ओवन है, जो उनमें बने हुए प्रोडक्ट्स वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे रोटरी ओवन में से निकले हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखने को मिल रहा है। बट इस प्रोडक्ट को कहते क्या हैं वो सर बताने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं सर? इन कश्मीरी वी प्रोवाइड इट, दिस इज अ बिग बेगर खानी वी गिव ऑन द एंगेजमेंट्स एंड द मैरिज सेरेमनीज। ओके, सो दिस इज सो सॉफ्ट। या दिस इज सो सॉफ्ट एंड डिलीशियस, वेरी टेस्टी। ओह नाइस। ओके नाइस। ओके सो और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टायर लिवर, स्पेशली दीज शॉपकीपर्स ऑफ द कश्मीर वैली, दे लाइक दिस टायर लिवर्स, दिस टाइप ऑफ breads, hot dogs, just like hot dogs. Okay. In Kashmiri, it is called namkeen kulcha. Okay. In Kashmiri, namkeen kulcha. This is something different, right? It is something different. Yeah, it's very tasty and delicious. It's different. It is called a namkeen kulcha. It is very crispy. It is often taken with a kahwa. Kahwa? Kashmiri kahwa. Especially kahwa, we take these namkeen kulchas and especially the namkeen tea. In Jammu and Kashmir, namkeen tea. We take this tail kulcha. It is a namkeen kulcha. It is very delicious and tasty. People like it. Go to check out our machines and all. Okay. These all are the items. Yeah, yeah. बहुत पुराने जमाने का लकड़ी का भट्टी आप देख सकते हैं। Yeah, yeah. It is called जो बहुत से लोग, right? So explain करेंगे ये कब से बनाया हुआ है आपने ये? Yeah, yeah. It is an old bhatti. Mm-hmm. In Kashmiri, it is called the bhatti. We use wood. हम लकड़ी इसमें जलाते हैं और लकड़ी से ही जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करते हैं। ये 36 रोटरी ओवन है, ये अरोमा का है, बहुत ही अच्छा है, हम पसंद करते हैं इसको। इसमें जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही नफीज है और डिलिशियस भी है, टेस्टी भी है और क्रिस्पी भी है। जो कुछ मटेरियल हमें चाहे या बिस्किट है या कोई क्रॉस हो आइटम हो या कोई भी आइटम हो जिसमें जो हम इसमें बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही पसंदीदा है। वी कैन ओपन इट एंड यू कैन सी इट। या यू कैन सी इट इनसाइड इट। सो ये अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, इक्विपमेंट्स है वो बाहर निकल के हमने सामने रखे हैं आपके सामने। वो बाहर निकालो, ट्रॉली जो है, ट्रॉली, इसकी जो ट्रॉली है वो बाहर निकाल के रखी है हमने। और ये डीजल से चला रहे हैं, ये डीजल में चल रहा है, इसका डीजल कंजम्पशन बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा है। डीजल बर्नर, या दिस इज डीजल बर्नर एंड वी हैव यूज्ड इट एंड अरेंज्ड। या डीजल का वो टैंक रखा हुआ है, डीजल का टैंक रखा हुआ है। ये फिल्टर है ताकि आपके डीजल बार बार दिक्कत ना करे, बहुत ही अच्छा है। ये सब किस में बना है? ये सब इसी में बना है हमने। अच्छा, ये रोटरी ओवन में ही बनाया है। इसका शेप देखिए आप, बहुत ही अच्छा शेप है, मटेरियल भी अच्छा बन रहा है इसका। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको अरोमा बेक के बारे में कैसे पता लगा? अरोमा बेक के बारे में हमने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, हमने फेसबुक पे देखा कि कोई इक्विपमेंट हमें जरूरत है, तो हमने अरोमा बेक इक्विपमेंट्स हमने स्पेशली सिलेक्ट किया।
इस पर बहुत हमें जो इसका रेस्पॉन्स हुआ, जो इसका जो मैनेजिंग बॉडी है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें रेस्पॉन्स दिया। हम बहुत दूर रहते हैं दिल्ली से, तो स्पेशली उन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कंटेक्ट किया। और जो इसका सेल वेल बाकी चीज़ हैं जो इंसान का डर रहते हैं सेल के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में और ट्रांसपोर्ट के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया ताकि हमें बहुत ही आराम मिल गया और हमें सही वक्त पे हमारा ये इक्विपमेंट इधर पहुंच गया। और आपको सर्विस कैसा लगा इस? बहुत ही अच्छा सर्विस लगा हमें, जब भी हमने उनको पुकारा वो चले आए। ओके, सो अभी कितना टाइम हो गया इस मशीन को लिए? हमने एटलीस्ट वी हैव टेकन इट इज 10 मंथ्स ओल्ड, हमने 10 महीने हो गए, 10 महीने में ये 2-3 बार आ गए। कहूंगा कि आपसे कि आप अरोमा बेक को अगर रेटिंग दिया जाए 10 में से तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मेरी तरफ से 10 out of 10। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गंदरबाल में हमने ये मशीन इंस्टॉल की है। और यहाँ पे बहुत दूर है, इतना पास नहीं है, इजी नहीं होता है, बट हमने ये जो ओवन है, लाइक अभी रिसेंटली लास्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब ये मशीन इंस्टॉल हुई थी तब एक टाइमर खराब हो गया था। या उस वक्त एक टाइमर खराब हो गया। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर? या ऑनलाइन। हाँ, मैंने उसी वक्त जो ही मुझे मेरा टाइमर खराब हो गया तो मैंने उसी वक्त उनको कॉल किया टाइमर के बारे में। तो जब मैनेजिंग बॉडी ने मेरी बात सुनी तो ऑनलाइन उन्होंने सारा कुछ रेस्पॉन्स मुझे आधे घंटे में मेरा सोल्यूशन हो गया। सो अब सर, अब दो चीज होती है, बाकी कंपनी और हमारे कंपनी में आपको क्या डिफरेंस लगा कि अरोमा इसलिए बेस्ट है? अरोमा इज द बेस्ट। अरोमा इज द बेस्ट। क्यों अरोमा बेस्ट है? मैंने बहुत सारी कंपनी से बात की अबाउट द इक्विपमेंट, अबाउट द ओवन। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ओवन के उन्होंने बता दिए, बट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओवन गिवन बाय द अरोमा बैक इज द बेस्ट। आई लाइक इट, दैट इज व्हाई आई बाय इट। एक बिजनेसमैन के पास एक मिशन होता है, एक गोल होता है। हमारे पास भी एक मिशन है, एक गोल है। इंशाल्लाह अगर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड इट विल गेट कंप्लीट वेरी सून। हमारा मिशन ये है, हमारा एक गोल है कि हमारा जो फ्रेंचाइजी है, हमारा जो बेकरी है, वो एक जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक तक पहुंच जाए।